गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और आप सब कैसे हो? तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूं आपको कि घर में रह के आप वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। एक इतनी इम्पॉर्टेंट रेमेडी है जिसको खाकर आप लोग स्वस्थ रहें। और गाइस ये रेमेडी बिल्कुल हमारे किचन में ही मौजूद है, जिसको बस डेली आपको खाना है नियम से, और डे बाई डे आप देखेंगे कि आपका वेट लॉस हो रहा है और अंदर का फैट बिल्कुल अपने आप गलने लगा है। तो एक बार इसे यूज़ ज़रूर करिएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सबको इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि वो जिम जाएं, और सभी लोग अपनी फिटनेस को लेकर परेशान हैं। कोई जिम जाके पसीना बहा रहा है, तो कोई दौड़ रहा है, और कोई टफ एक्सरसाइज कर रहा है, बट वज़न है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है, वज़न बढ़ता ही जा रहा है। सब लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। कोई डाइटिंग बताता है, कोई दवाई बताता है, तो कोई कुछ भी बता रहा है। तो मैं सोचती हूँ एक ऐसा उपाय होना चाहिए जिससे वज़न भी कम हो जाए और बीमारियों से भी बचे रहें, शरीर फिट भी रहे, और बाद में भी आपका मोटापा ना बढ़े। तो कुछ ऐसा होना चाहिए और आप लंबी आयु तक स्वस्थ रहें। तो आज के वीडियो में मैं ऐसी रेमेडी बताऊंगी जो हम लोग खुद ही बना सकते हैं, और वो सब हम लोगों के किचन में ही है, और कोई और हम लोगों को ये कॉन्फिडेंस भी हो कि हम लोगों ने कोई भी गलत चीज़ नहीं खाई है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, और जो सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो गाइज़ वो रेमेडी है कि आप 50 ग्राम अजवाइन ले लें, और 50 ग्राम जीरा ले लें, और 25 ग्राम मोटी सौंफ ले लें, और स्वाद अनुसार काला नमक या सेंधा नमक ले लें। अब इस अजवाइन जीरा और सौंफ को कढ़ाई में ब्राउन भून लें। बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा भूनना है जिससे इसकी जो नमी है वो कम हो जाए, और इसे मिक्सर में पीस लें, बिल्कुल ग्राइंड कर लें, पाउडर बना लें उसका। अब आपको रोज़ रात में एक गिलास गुनगुने पानी से एक चम्मच ये खा लेना है, और रोज़ रात को खा के इसे सो जाना है। और इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। इससे आपका पेट साफ रहेगा, इससे आपकी चर्बी धीरे धीरे गायब होने लग जाएगी, और आपकी बॉडी में जो फैट होगा वो पिघलने लग जाएगा, पेट भी बिल्कुल मुलायम हो जाएगा, और धीरे धीरे शरीर शेप में आने लगेगा, जो कि बैठ बैठ के हम लोगों का शरीर जो ख़राब हो जाता है गलत खान पान से, तो वो सब बिल्कुल इससे सही हो जाएगा और आप बिल्कुल शेप में आ जाएंगे। और इसके अलावा थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करना होगा, थोड़ा सा योगा करें, जैसे कपालभाति योगा है, वो अंदर से सारा फैट निकाल देता है। हम लोगों जब भी पतले होने की बात आती है तो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, डाइटिंग करते हैं, लेकिन आप अगर घर बैठ के अपना वेट लॉस करना चाहते हैं ना, तो गाइस इस बात पर बिलीव करिए आप कि अगर आप नियम से कपालभाति करते हैं तो जो एक हीट पैदा होती है कपालभाति करने से, जो एक हम लोगों के अंदर हीट पैदा होती है, उससे आपका वेट लॉस होता है। लेकिन इसे नियम से और काफ़ी टाइम करना पड़ता है, तब आपको इसका असर पता चलता है। और जो मैंने आज की रेमेडी बताई है उसका असर आपको बहुत जल्दी पता चलेगा, तो अंदर से जो भी आपका फैट होगा वो अपने आप पिघलने लगेगा। तो प्लीज़ गाइस इसको फॉलो कीजिएगा, इस दवाई को आप बना के ज़रूर रखिएगा, इससे और भी बीमारी आपकी कम होने लगेंगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, और इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल के लिए न्यू हों तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको मेरे आने वाले न्यू वीडियोस मिलेंगे और आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे। ओके, आपकी अपनी मधु रियल वन मधु ब्लॉगर। ओके, बाय बाय फ्रेंड।